हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल श्रीवास्तव। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में। पिछले वीडियो में आप पढ़े थे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में सब्सटेंसेस क्या है, ठीक है, ये समझाए थे कि सब्सटेंस क्या होते हैं, बताए थे कि इसी तरह के कोई भी मैटर जो एक ही प्रकार के कॉम्पोनेंट या प्रॉपर्टीज वाले मैटर्स को हम सब्सटेंस कहते हैं। फिर आपको बताया थे कि सब्सटेंसेस दो प्रकार से हो सकते हैं, एक ही तरह के कॉम्पोनेंट को सब्सटेंस कहते हैं, एक ही तरह के प्रॉपर्टी वाले मैटर को। तो अगर केवल एक ही तरह का हो तो प्योर सब्सटेंस कहलाता है, अगर उसके साथ किसी दूसरे चीज को मिक्स कर दिया जाए तो मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। तो आपको बताया थे प्योर सब्सटेंस के बारे में, प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस That is made up of only one kinds of atom or molecule। मतलब प्योर सब्सटेंस वह पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद बताया गया था आपको मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर वह पदार्थ है, वह सब्सटेंस है that contains two or more different substances mixed together। इसमें दो या दो से अधिक अलग अलग सब्सटेंसेस को एक साथ मिक्स किया। इसमें भी बताया गया था कि इसे तीन प्रकार से मिक्स किया जाए तो किस तरीके से मिक्स किया जा सकता है, तो इसके तीन तरीके हो सकते हैं। एक कि दो सॉलिड, दो या दो से अधिक सॉलिड को एक साथ मिक्स कर देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। इसके बाद बताया गया था दूसरा तरीका कि एक सॉलिड ले लीजिए और दूसरा लिक्विड ले लीजिए, उसको एक साथ मिक्स कर देते, तो ये हो जाता है सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। फिर बताए थे कि दो या दो से अधिक लिक्विड को एक साथ मिक्स कर देते तो हो गया लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। ये तो मिलाने के तरीके हैं, ठीक है, कि अगर मिक्स करेंगे तो किस प्रकार से मिक्स, किस किस प्रकार से हम मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि इसके टाइप्स कितने हो सकते हैं, ठीक है। मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड एज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, एक नंबर कर लेते हैं होमोजीनस मिक्सचर, क्या होगा होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर। और दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। अब जानेंगे होमोजीनस मिक्सचर क्या है, अगर एक ही तरह के दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिलाया गया है तो वो मिक्सचर क्या कहलाएगा, होमोजीनस मिक्सचर कहलाएगा। अगर दो डिफरेंट सब्सटेंसेस है, अलग अलग प्रकार के सब्सटेंसेस को एक साथ मिक्स किया गया है तो वो कहलाएगा हेट्रोजीनस मिक्सचर। हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे एक एक को, जैसे फर्स्ट पढ़ते हैं हम होमोजीनस, ठीक है। द मिक्सचर इन विच
components in which the components that make the make up the mixture are distributed uniformly and cannot be seen clearly. Cannot be seen clearly are called homogeneous. देखते हैं होमोजीनस मिक्सचर क्या है. द मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स दैट मेक अप द मिक्सचर आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. इस एक ही प्रकार के मिक्सचर्स को यूनिफॉर्मली एक समान रूप से डाला गया हो और उनको हम लोग अलग अलग करके नहीं देख सकते, दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मिल गया हो. ठीक है, जैसे अगर शुगर और वाटर को एक साथ मिक्स करते हैं, एग्जाम्पल के लिए शुगर एंड वाटर तो आप लोग देखते होंगे कि अगर हम शुगर को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये शुगर चीनी पूरी तरह से खाते में खुल जाए. आपको कुछ समय बाद थोड़े से स्टेरिंग कर देंगे, उसको मिला देंगे तो आपको चीनी बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, केवल आपको वाटर दिखाई. ठीक है, तो वो मिक्सचर क्या कहलाएगा, होमोजीनस मिक्सचर, तो जो दोनों एक साथ मिक्स हो जाता है. ठीक है, और वो उसके दो अलग अलग भाग आपस में नहीं दिखते हो तो उसे हम कहेंगे होमोजीनस मिक्सचर. ठीक है, अब है हेटरोजीनस मिक्सचर. दो नंबर हुआ हेट्रोजीनस आपको दिखाई दे रहा हो तो उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर. ठीक है, जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, जिसे हम आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, वो कहलाएगा हेट्रोजीनस मिक्सचर. ठीक है, तो देखते हैं द मिक्सचर इन विच the components in which the components that mixed component that make up that make up the mixtures
are not distributed uniformly, and can be seen clearly, and can be seen clearly. Heterogeneous mixture. क्या हुआ इसका मतलब? The mixture in which the components that make up the mixture are not distributed uniformly. वह मिक्सचर जिसमें उसके कंपोनेंट मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं और उसे हम लोग आसानी से अलग अलग देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं हेटरोजीनस मिक्सचर। क्या कहते हैं? हेटरोजीनस मिक्सचर। इसके बाद हम देखेंगे, मैं इसके एग्जांपल जैसे आयल एंड वाटर, आयल एंड वाटर, वाटर। आप देखेंगे कि अगर हम वाटर में आयरन को किसी भी तेल को डालते हैं तो पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है, आयरन ऊपर आ जाता है, पानी नीचे रहता है। ठीक है, आप चाहें तो आराम से आसानी से हम आयरन को अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगा हेटरोजीनस मिक्सचर, जिसमें वो दोनों अलग अलग रहते हैं। ठीक है, दोनों को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, या दूसरा कहलाएगा सैंड एंड स्टोन, सैंड एंड स्टोन। देखते होंगे कि सैंड के साथ बहुत सारे बालू के साथ बहुत सारे पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, उसको भी स्टोन को हम लोग आसानी से अलग कर सकते हैं। वो अलग करने के तरीके होते हैं, मेथड्स ऑफ सेपरेशन हम पढ़ेंगे आगे, इसको भी पढ़ना है कि हम कैसे आयरन और वाटर को एक साथ मिक्स है तो हम कैसे आयरन को अलग कर सकते हैं और वाटर को अलग कर सकते हैं। उसी तरह ये भी पढ़ेंगे कि सैंड और स्टोन इन दोनों को एक साथ मिक्स किया जाए, हेटरोजीनस मिक्सचर है, दोनों आपस में आपको अलग अलग दिखता है, सैंड अलग दिखेगा तो स्टोन अलग दिखेगा, इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैसे भी बात कर रहे थे कि इसको अलग कर सकते हैं, इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे डीप पोर सेपरेशन। क्या टॉपिक आपका रहेगा? डीप पोर सेपरेशन। हमें सेपरेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे सैंड का यूज हम स्टोन के साथ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए स्टोन को अलग करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, अलग अलग मेथड्स होते हैं सेपरेशन के। ठीक है, जिस कुछ होते हैं ऐसे जो हाथ से चूर कर आप अलग कर सकते हैं, कुछ और भी मेथड्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इन दोनों टॉपिक डेट्स को सेपरेशन एंड मेथड्स को सेपरेशन आपको